खबर बताते हैं जहां स्थानीय न्यू एरिया निवासी राजेंद्र श्रीवास्तव की कर रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब मृतक के परिजनों ने लोगों से मदद की गुहार लगाई तो किसी व्यक्ति ने मृतक के परिजनों की मदद नहीं की। तत्पश्चात मृतक की बेटी ने जैसे तैसे अपने पिता को श्मशान घाट पहुँचाया और उनकी अंत्येष्टि की। जब खबरों के माध्यम से इसकी जानकारी डेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह जन अधिकार पार्टी लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव समीर कुमार को मिली तो आज वे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका ढाढ़स बढ़ाया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी आर्थिक सहायता प्रदान कराते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। समीर ने बताया कि वे गरीब व असहाय लोगों की सदैव मदद करते रहेंगे और आमजन से भी अपील करते हैं कि वे भी किसी असहाय व्यक्ति को देखें तो उन्हें अवश्य मदद करें, क्योंकि भगवान ने इंसान के भीतर मानवता का रूप धारण किया है। इसलिए मानवता का परिचय देते हुए सदैव एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मौके पर संजीव कुमार, रॉकी कुमार, दिनेश यादव, सैफुल हक सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, डेहरी ऑन सोन के मोहल्ला न्यू एरिया में एक व्यक्ति जो कि जिनका नाम राजेंद्र श्रीवास्तव था, बीते दिनों पता नहीं कैसे वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे कि रेलवे से कहीं सफर कर रहे थे, उसी दरमियान में रेल से कट जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ये सूचना रेलवे पुलिस ने उनके घर वालों को दी, घर वाले बड़े परेशान हुए और भागे भागे अपने पति के, अपने पिता के शव को प्राप्त करने के लिए वहाँ पहुँचे और बड़ी मुश्किल से अपने पिता के शव को पोस्टमार्टम करा के जब स्थल तक ले आए, शमशान स्थल तक, उससे पहले लोगों ने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसमें जो मैंने अखबार के माध्यम से जो पाया है कि किसी व्यक्ति ने उस बेटी की पुकार को नहीं सुनी और ना ही उसकी मदद करी। जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस खबर को अखबार के माध्यम से देखा तो मैं अपने पूरे साथियों के साथ पीड़ित के परिवार तक पहुंचा, उन्हें सांत्वना दिया और मुझसे जितना बन सकता था मैंने उनको आर्थिक सहायता भी करी और आसपास के लोगों से अनुरोध किया कुछ सहायता तत्काल प्रभाव से मैंने उनको आर्थिक दिलवाई थी। मेरा ये कहना है कि जीवन में अगर आप अपनी मानवता का परिचय भी अगर समाज में नहीं दे पाते हैं तो आपका यह जीवन व्यर्थ है, क्योंकि कुछ भी हो जाए एटलीस्ट मानवता तो हर किसी के भीतर 1% होनी ही चाहिए। खासकर ऐसे सिचुएशन में जब किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई की मृत्यु हो जाए और उसका परिजन आपसे गुहार लगा रहा हो कि कम से कम शमशान घाट तक पहुंचा दीजिए, वहां कम से कम अंत्येष्टि करा दीजिए, इसके बाद भी अगर आप मदद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मरे हुए हैं और आप एक जिंदा लाश की तरह जीवन जी रहे हैं। जीआरपी थाना अध्यक्ष से भी आपकी बात हुई थी, क्या आश्वासन मिला? मैंने जीआरपी के थाना अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह जी से इस पूरे मसले पे बात करी, पूरी स्थिति को मैंने जाना और मैंने उनसे बड़े विनम्रता से अनुरोध किया है कि आप जो रेल दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद अगर कोई मुआवजा मिलता है, जैसे सड़क दुर्घटना में 5 लाख रुपये की राशि बिहार सरकार देती है, वैसे आप भी रेल दुर्घटना वाले पीड़ित परिजन को ये मुआवजा दें, क्योंकि पीड़ित का परिवार काफ़ी गरीब है, किराए के मकान में रहता है। जैसा कि लोगों ने बताया कि जो जिनकी मृत्यु हुई कबाड़ी की दुकान पर कार्य करते थे, तो आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति उनकी ख़राब होगी। ऐसे में उन्होंने, गोपाल बाबू ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी न्याय संगत चीजें हैं वो करते हुए निश्चित रूप से मुआवजे का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।